हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। सो आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, इस रीडिंग में हम ये देखेंगे कि इस वक्त रिलेशनशिप में आपके जो कुछ भी चल रहा है उसके लिए यूनिवर्स की आपके लिए क्या एडवाइस है। हम सिर्फ फोकस करते हैं पार्टनर की फीलिंग्स पे, लेकिन हम ये नहीं जानना चाहते कि हमें क्या करना चाहिए। सो इस रीडिंग में हम यही देखने वाले हैं कि इस वक्त आपको किस चीज़ पे फोकस करना है या किस चीज़ से फोकस हटाना है या क्या ऐसा करना है जिससे कि आपकी लाइफ भी बेटर हो और ये जो वक्त है जहाँ पे लोग परेशान हैं, जहाँ पे वो अपने पार्टनर से बात नहीं कर रहे या जो भी सिचुएशन है, आपको क्या करना चाहिए वो हम देखने वाले हैं। तो चलिए ज़रा आपके दिल का हाल देख लेते हैं, आप कैसे हो, क्या फील कर रहे हो, क्या सोच रहे हो, क्या चल रहा है आपके दिलो दिमाग में। ओके, लेट्स सी आप क्या फील कर रहे हो, आपकी मेजर एनर्जीज क्या है इस रिश्ते को लेकर और इस पर्सन को लेकर। सबसे पहला कार्ड यहाँ पे ब्रोकन का है, तो ये तो आपके दिल का हाल क्लियरली बयां हो रहा है यहाँ पे, जहाँ पे मुझे लगता है आप बहुत ही ज़्यादा जैसे होता है ना कि एक टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया, ऐसी वाली एनर्जी तो मुझे आपकी लग रही है। यू आर टोटली शैटर्ड, कुछ ऐसा हुआ है हाल फिलहाल में आपकी रिलेशनशिप में कि आप टूट चुके हो, बिखर चुके हो, हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हो बहुत ज़्यादा। लेट्स सी व्हाट मोर। ओके, पॉसिबिलिटीज़ हैं यहाँ पे। मे बी आप जिनसे डील कर रहे हो, जो भी आपके पार्टनर है, वो ना आपके साथ बहुत ज़्यादा, मतलब आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं, आपके प्यार को, आपके इस रिश्ते को, जहाँ पे मुझे लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी या ये रिश्ता अपने तरीके से जीना चाहते हैं, माई वे और हाई वे, यू नो। तो मे बी आप ना टोटली अपोजिट पर्सन से डील कर रहे हो। आप चाहते थे कि आपको एक ऐसा पर्सन मिले जो इमोशनल हो, जो आपको समझे, जो आपको आपके हिसाब से या जैसे आप एक्सपेक्ट करते हो वैसा प्यार करे। लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि रिश्ते हमेशा एक ऐसे पर्सन से बन जाता है ना जो हमसे टोटली डिफरेंट है, हम जैसा चाहते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं दे वॉन्ट टू लिव फ्री, या वो अपने किसी स्पेशल तरीके से लाइफ जीना चाहते हैं, और आप चाहते हो कि वो डेडिकेटेड रहे, वो आपको कमिटमेंट दे या वो आपके साथ एक तरीके से रहे, बट शायद वो हो नहीं रहा है। व्हाट मोर डू वी हैव? लस्टिंग की एनर्जी है। यस, यू माइट आल्सो बी डीलिंग विद समवन जो प्यार के ऊपर लस्ट को, फिजिकल इंटीमेसी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनके अंदर आपके आपसे तुलना में एक सेक्सुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा है, या आपको ऐसा लगने लगा है कि इंसान ने मुझसे कभी प्यार ही नहीं किया या ये मुझसे प्यार ही नहीं करता, इसको तो बस यू नो फ़ायदा चाहिए, या ये पर्सन किसी इंटेंशन से मेरे साथ है। सो यस, ये भी एक रीज़न है जहाँ पे रिश्ता आपका इस वजह से ख़राब हुआ है या अफेक्ट हुआ है, क्योंकि आपके पर्सन आपको कमिटमेंट नहीं देते हैं, अपने तरीके से रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश करते हैं, या मे बी लस्ट वाली फीलिंग ज़्यादा है उनके अंदर और प्यार की आपको लगता है, या मे बी हो भी सकता है। लेट्स सी मोर। ओके, इमोशनल स्टॉर्म। तो यस, इमोशनली भी मुझे आप काफ़ी अनस्टेबल दिख रहे हो, आपके इमोशंस बिल्कुल भी बैलेंस्ड नहीं है। एक जो कहते हैं ना कि एक कोहरा सा छाया हुआ है, आपके इमोशंस टोटली आउट ऑफ प्लेस है, आप काफ़ी अफेक्ट हुए हो। आपके पर्सन को पता नहीं ये बारे में क्या फील होता है और क्या नहीं, लेकिन मुझे लगता है आप काफ़ी अफेक्टेड हो और आप अपने पर्सन के हर एक छोटे बड़े एक्शन से काफ़ी अफेक्ट होते हो। ओके, एंड जो भी चल रहा है आपके रिश्ते में या रिसेंट पास्ट में जो भी हुआ है, यू आर नॉट हैप्पी। ओके, आपके अंदर तूफान मचा हुआ है, आप काफ़ी अनस्टेबल हो रखे हो एंड आपको खुद की फीलिंग समझ में नहीं आ रही है। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? मेमोरीज भी है, काफ़ी प्यारी मेमोरीज है। वक्त पे वक्त आपको आपके पर्सन की याद आती है, उनकी मेमोरीज़ आपका पीछा नहीं छोड़ती है। डेफिनेटली देखिए, आप जिनसे प्यार करते हो भले ही वो आपके साथ ना हो, वो जो मेमोरीज़ होती है ना उनके साथ वाली, वो हमेशा याद रहती है। आपके पर्सन को लेकर भी आपके मन में बहुत सारी मेमोरीज़ है, बहुत कड़वी मेमोरीज़ भी है, कड़वी यादें भी है, और अच्छी मेमोरीज़ भी है, प्यारी यादें भी है, एंड सब कुछ जैसे आपके अंदर घर कर चुका है, इट्स लाइक जैसे बस चुका है, आप सांस भी लेते हो तो आपको वो मेमोरीज़ पीछा नहीं छोड़ती है। लेट्स सी आपके पर्सन का क्या माइंडसेट है इस वक्त। ओके, जैसे मैंने पूछा आपके पर्सन की एनर्जी, तो पहला ही कार्ड आया है प्राइड का।
आप एक, मैंने बोला ना, आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो जो प्राइड और ईगो को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, इमोशंस को लेस प्रायोरिटी देते हैं उनका। देखिए, जब बात रिश्ते की आती है ना, तो जितना दिमाग का इस्तेमाल कर रहे हो उतना दिल का इस्तेमाल, उल्टा ज़्यादा दिल का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। और आपके पर्सन बहुत एरोगेंट है, बहुत स्टबर्न है, बहुत ईगोटिस्टिकल है, वो ईगो से ड्राइव करते हैं और आप काफ़ी इमोशनल हो, ठीक है। इस वक्त तो मुझे उनकी एनर्जी ऐसी लग रही है जहाँ पे प्यार से ज़्यादा वो अपने ईगो को, अपने एटीट्यूड को, अपने प्राइड को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है। आप में से कुछ लोग एरीज से डील कर रहे हैं, यानी मेष राशि। ओके, नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे जो है फाउंडेशन, और उसके साथ ही ऑब्सक्योरिटी का कार्ड आया है। ओके, मुझे ये भी लगता है यहाँ पे आपको कमिटमेंट या स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, या मे बी आप हमेशा इस पर्सन से आपने एक्सपेक्ट करा है कि ये आपको कमिटमेंट देंगे, या ये रिश्ता कभी तो स्टेबल होगा, कभी तो बैलेंस्ड होगा, लेकिन ऐसा कभी भी हो नहीं पाया। हमेशा ये रिलेशनशिप एक मिस्ट्री रखी है इस पर्सन ने, कभी भी इसको पब्लिक नहीं किया, या कभी भी इसको श्योरली माना नहीं है, या मे बी अपने फैमिली से छुपा के रखा है, अपने दोस्तों से छुपा के रखी है। सो ये पर्सन का एक प्रॉब्लम है कि ये पर्सन बहुत सेफली प्ले करते हैं, मतलब इनको लगता है हर चीज़ एक गेम है और बहुत सेफ रहना है मुझे, मुझे हार्म नहीं होना चाहिए या मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। पता नहीं आगे क्या होगा, शादी होगी भी या नहीं, या तो अभी मुझे इसको डिस्क्लोज़ नहीं करना है। तो देखिए, इंसान जब इतना सेफ प्ले करने लगे, पहली बात तो प्ले आप गेम में करते हो, रिश्तों में नहीं करते। और आपके पर्सन मुझे लगता है बहुत सी चीज़ें छुपाते हैं, स्पेशली रिश्ते को बहुत ज़्यादा मिस्ट्री रखते हैं, और अपनी फीलिंग्स को भी। मुझे नहीं लगता ये पर्सन कभी भी आपके सामने पूरी तरह से ओपन अप हुए हैं। ओके, कुछ ना कुछ एक छुपी छुपन छुपाई रही है। व्हाट मोड वी हैव ऑफ चेजिंग। ओके, देखिए, मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत चेज करवाया है, आप हमेशा उन्हें चेज करते रहे हो, आप हमेशा यू नो यू हैव बीन द रनर, सॉरी यू हैव बीन द चेजर, एंड आपके पर्सन हमेशा एक रनर रहे हैं और उन्हें अच्छा लगता है। ये एक ऐसे पर्सन है ना जो जिनको पता है कि वो रिस्क ले रहे हैं बार बार आपको दूर करके या बार बार आपको चेज करवा के, लेकिन फिर भी वो करते हैं। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ पर्सन जिनको लाइफ, जो लाइफ को सीरियसली नहीं लेते हैं और रिश्तों को तो उससे भी ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। बहुत विचारों में और बिहेवियर में इनके बहुत टॉक्सिसिटी है। ये वर्ड मुझे नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मुझे बहुत सी एक नार्सिसिस्ट बिहेवियर लग रहा है आपके पर्सन का, जो जिनको पता होता है कि ये चीज़ मेरे लिए सही नहीं है, फिर भी वो करते हैं जस्ट टू सी के कितने दूर तक खींचेगी ये चीज़। व्हाट मोर डू वी हैव। ओके, तो जो कार्ड निकल के आया है इंटीमेसी, आई टोल्ड यू फॉर सम ऑफ यू आपके पर्सन के लिए प्यार ज़रूरी नहीं है, सेक्सुअल केमिस्ट्री या मिलना एंड वो सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इनके लिए मायने रखती है, और ये मे बी आपको उतना इम्पोर्टेंट नहीं लगता होगा, या मे बी आपका या आपकी लव लैंग्वेज ऐसी नहीं है जैसी उनकी है। ओके, इट्स, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो गलत है या आप गलत हो या कोई सही है या कोई गलत है, इट्स मोर ऑफ द टाइप ऑफ होता है कि दो लोग अलग तरीके से प्यार करते हैं, दो लोग अलग तरीके से सोच भी सकते हैं रिश्ते को लेकर। एंड ऐसा ही कुछ आपके पर्सन के साथ हुआ है जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुझे लगता है आपके पर्सन रिश्ते के ऊपर उन्हें बाकी चीज़ें हैं, जैसे यू नो सेक्सुअल अट्रैक्शन, फिजिकल अट्रैक्शन, लस्ट, अपनी लाइफ अपने तरीके से जीना एंड ब्यूटी। देखिए, एक चीज़ तो है, आपके पर्सन को भी पता है कि आप काफ़ी लविंग हो, आप काफ़ी काइंड हार्टेड हो, आप काफ़ी अच्छे हो, एक्सेप्टिंग हो काफ़ी ज़्यादा, और उसी चीज़ का वो कई बार ना मुझे लगता है फ़ायदा भी उठाते हैं। ओके, जहाँ पे उन्हें ग्रेटफुल होना चाहिए कि उन्हें आपके जैसा पर्सन मिला है, वो काफ़ी रिस्क लेते हैं आपके साथ, आपको काफ़ी अंडररेट करते हैं, काफ़ी आपको ग्रांटेड लेते हैं, मैं बस इतना ही बोलूँगी। ओके, क्या इस पर्सन के अंदर आप चेंज एक्सपेक्ट कर सकते हो या नहीं। तीन कार्ड्स निकालूंगी मैं, लाइक इनकमिंग फ्यूचर, क्या आप इनसे कोई, इनके अंदर कोई चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो। क्वीन ऑफ कप्स,
सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स। ओके, देखिए मिक्स्ड एनर्जी निकल के आई है, क्योंकि मुझे लगता है कि 50-50 चांसेस है इनके सुधरने के, या पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ, ये पर्सन डेफिनेटली आगे जाके आपको इमोशंस शो करेंगे, या आपके प्यार को समझेंगे, और आपको एक ऑफर ऑफ लव भी आ सकती है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है ये पर्सन 100% डेडिकेटेड या 100% लॉयल नहीं रह पाएंगे आपके साथ। आई विल बी वेरी फ्रैंक, मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा कुछ। ये ऐसे ही ब्लेम गेम्स, माइंड गेम्स खेलते ही रहेंगे आपके साथ। सो यू आर ऑन अ वेरी ट्रिकी पाथ, क्योंकि आप एक्सपेक्ट बहुत कुछ कर रहे हो, लेकिन मुझे उतना कुछ आपको मिलते हुए नहीं दिख रहा है। ओके, आपको क्या करना चाहिए वो देख लेते हैं। व्हाट शुड यू डू इन दिस सिचुएशन, आपको क्या करना है? डिवाइन प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूअर के लिए, क्या एडवाइस है? 3 कार्ड्स दें हमें, जिसमें हमें क्लियर हो जाए हमारे व्यूअर को क्या करना है। ओ माय गॉड, आप देखो, आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, लेकिन आपके पर्सन की वजह से ना सब झंड हो रहा है। अच्छी रिलेशनशिप की वाट लगा रहे आपके पर्सन। 2 मोर, वाओ। मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में भी है, और यहाँ पे कुछ लोग ट्विन कार्मिक ट्विन्स भी है। दिस इज़ अ काउंटर पार्ट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन और फेमिनाइन, और यहाँ पे कुछ कार्मिक्स भी हैं। देखिए, पता है आप दोनों के रिलेशनशिप का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे आप दोनों के बीच में कर्मा बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस्ड है। जब तक ये कर्मा रिलीज नहीं होगा, ये जब तक ये कर्मा बैलेंस नहीं होगा, पूरी तरह से आप एक दूसरे के लाइफ में आ नहीं पाओगे। कुछ ना कुछ इशूज़ आते ही रहेंगे। तो आपको यही बोला जा रहा है कि देखिए कैसे होता है ना, कि कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती है, कुछ चीज़ें हमको ईश्वर के हाथ में छोड़ देनी होती है। आपको जस्टिस मिलेगा इन दिस कनेक्शन, डोंट वरी, देर से ही सही मिलेगा, ठीक है? सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस। अगर रीडिंग आपके दिल को छू गई है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, एंड ऐसी वीडियोज़ के लिए, अगर आप चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मेरे और भी चैनल्स हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी लिंक। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लो, काफ़ी सारे लोग जुड़े हुए हैं वहाँ पे, आप भी जुड़ जाइए। वहाँ पे भी मैं काफ़ी सारी शॉर्ट रीडिंग्स लाने वाली हूँ। और या सी यू नेक्स्ट वीडियो।